dear friends, welcome to the class. Today we will discuss interconversion of different type of projection formulas. पहले ये different projection होते क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. Yes. सबसे पहला है Fisher projection formula. फिशर प्रोजेक्शन जैसा कि आप कर चुके हो कंफर्मेशन के अंदर, जो हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं. लाइक दिस. तो ये कौन है आपका, ब्यूटेन है. यहां पर ये अंडरस्टूड है, ये जहां क्रॉस हुआ है कौन है ये, बोलो, कार्बन एटम है. जहां क्रॉस हुआ है वो कौन है, कार्बन एटम है. मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि फिशर प्रोजेक्शन हमेशा किसमें मिलेगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा. इसका नाम क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन, बोलो, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, स्टैगर्ड में नहीं होता. अब एक नए फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे आप कर भी चुके हो, न्यूमैनन प्रोजेक्शन फार्मूला. नेक्स्ट कौन आ गया, अब न्यूमैनन प्रोजेक्शन फार्मूला ये आ गया आपका, जो हम डॉट से और सर्कल से शो कर रहे थे कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में, उसका नाम क्या है, न्यूमैनन प्रोजेक्शन फार्मूला. अब देखो क्या माना था बेटे इसको हमने, इस कार्बन को क्या माना था, बोलो, फ्रंट कार्बन, इसको बैक कार्बन. डू रिमेंबर, ध्यान है नहीं है, सी एस थ्री एच एच, इसको हमने यहां रखा, एच आपका राइट है तो राइट कर दिया, एच लेफ्ट है तो लेफ्ट कर दिया. फिर H के बैक में H है, CH3 के बैक में CH3 है, और इस H के बैक में H है. यदि भूलना गए देखो दोबारा एक बार, आ ध्यान, कौन सी फॉर्म है ये, इक्लिप्स्ड फॉर्म, बिल्कुल बैक टू बैक. तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं. बोलो, कोई डाउट किसी को, ठीक है. अब इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म. तो स्टैगर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको, कि जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, एंटी, यानी उनके अंदर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल होगा. तो 180 डिग्री की रोटेशन देंगे, किसको दे रहे हो आप रोटेशन, C2 को, या C2 ना बोल के इसको क्या बोल लेते हैं, बैक कार्बन को रोटेशन दो, फ्रंट को ऐसे रखो. तो ये आपने इस तरह फ्रंट को ऐसे रखा बेटे, and this is your rotation. अब यदि क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लो, कि कन्वर्ट फिशर इनटू न्यूमैनन, तो आपको ये नहीं बनाना है, क्या बनाओगे, ये बनाओगे, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, फिशर किसमें होता है, इक्लिप्स में. और जब आपसे ये पूछा जाए कन्वर्ट फिशर इनटू, इसका न्यूमैनन लिखो, तो कौन से फॉर्म आंसर आने चाहिए, स्टैगर्ड फॉर्म में, बस ये ध्यान रखो. सो ये आपका आंसर है बेटे, ये आंसर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें, वो आपको स्टैगर्ड में लिखना है, न्यूमैनन में, सॉरी, इक्लिप्स में नहीं लिखें. पहला पॉइंट क्लियर. यस सर. ऐसे ही नेक्स्ट आपका आया साफ होर्स, साफ होर्स प्रोजेक्शन फार्मूला. नेक्स्ट आपका ये है साहोर्स प्रोजेक्शन फार्मूला. तो साहोर्स शेप वैसे हम एक बार कर भी चुके थे, किसमें किया था हमने, sp3 d1 हाइब्रिडेशन में, sf4 के केस में, यदि ध्यान हो तो उसके शेप साहोर्स जैसी आई थी, सॉरी सीसा शेप आई थी, आ रहा था, बोलो, ठीक है. तो इसकी शेप क्या है आपकी, साहोर्स शेप.
अब क्या करेंगे, क्या दोनों y जैसी नहीं है? Yes, और कैसी y है बेटा? ऐसे ही तो है, देखो दिस y, दिस y, तो क्या करोगे? H H CH3 CH3 H H, नहीं ऐसे नहीं, दैट इज व्हाट सा फोर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, कोई डाउट? नो सर। बढ़े आगे। यस सर। ऐसे ही यदि मुझे इसका बनाना पड़ जाए तो बिल्कुल आसान है भाई, क्या करेंगे, इस तरह क्रॉस करो, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक वाई तो आपकी सीधी है, तो एक वाई को रखो इस तरह, दूसरी वाई कैसी है, इनवर्ट वाई है, उल्टी वाई है, तो इसको ऐसे कर दो, बोलो क्लियर। तो यहां क्या लिख दोगे, सी एस थ्री एच एच, इधर सी एस थ्री एच एच, बोलो। तो ये आपके बोर्ड पर मैंने तीन फार्मूले लिखे बेटे, ये पहला कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, दूसरा कौन सा है, न्यूमैनन, तीसरा जो क्रॉस में दिखा रखा हो कैसा है, सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, क्लियर। ध्यान रहे व्हेन यू कन्वर्ट, क्या मेन पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं यहां पर, ऑब्जेक्टिव में दिए मिलेंगे कि ये फिशर प्रोजेक्शन इसका सा हॉर्स कौन सा है, वहां कोई क्लिप्स भी दिया मिलेगा, स्क्यू भी दिया जा सकता है, स्टैगर्ड भी, तो निशान किस पे लगाओगे, स्टैगर्ड पे लगाना है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है ना। यानी फिशर यदि कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, न्यूमैनन में और सा हॉर्स में, तो क्या करेंगे, आंसर किस में आएगा, स्टैगर्ड में आएगा, बस सीधा रखें। रिवर्स कर रहे हो, इन दोनों ये दोनों दे रखे हैं और आपको पूछ रहा है बेटा फिशर में कन्वर्ट करो, तो फिशर का आंसर किस में होना चाहिए, इक्लिप्स में होना चाहिए, फिशर का आंसर स्टैगर्ड में नहीं होना चाहिए, बताओ। यस सर। कर पाएंगे? यस सर। दो ही क्वेश्चन, चलो करो सब। अब एक बार वो शॉर्टकट भी बताऊं क्या दोबारा, जैसे यहां था सी एस थ्री सी एस थ्री सी एल सी एल एच एच, ये आपका फिशर था, बजाय कि हम चलो एक बार आप इसको पहले खुद करो, पहले इसका क्या बनाओ, न्यूमैनन, इक्लिप्स और फिर स्टैगर्ड, कैसे करेंगे, दिस इज सी एस थ्री सी एल एच सी एस थ्री सी एल एच, दिस इज सी एस थ्री सी एल एच, और एक को मैंने रोटेशन दे दी, तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, स्टैगर्ड, वो होना चाहिए ना सीधा आंसर, स्टैगर्ड। अब क्या करना है आपको, अब इतना टाइम नहीं हमारे पास ऑब्जेक्टिव में कि पहले ये बना के देखे फिर वो बना के देखे फिर टिक लगाए आंसर, ऐसा नहीं करना है, सीधा ही क्या करेंगे हम, यू किया एक, इसको देखो एक बार, फ्रंट कार्बन सी एल एच सी एस थ्री, ये किस फॉर्म में है, इक्लिप्स में, आंसर किस में लेके आना है, स्टैगर्ड फॉर्म में, क्या करो अब, सीएस्टर के पॉइंट में जाएगा स्टैगर्ड में, जो सेम साइड है वो आंसर में अपोजिट साइड आ जाएगी, बस ये ध्यान देना है, क्या कहा मैंने, जो फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड है वो न्यूमैनन में या सा हॉर्स में अपोजिट साइड मिलेंगे, यहां सीएल यहां सीएल यहां एच यहां, देखो एक बार बस, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या करेंगे,
नीचे ये ग्रुप, ऊपर ये ग्रुप, सेम साइड वाले अपोजिट, बस खत्म, बोलो कर पाएंगे? ऐसे ही साफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना हो तब यही करना है, क्या करना है बेटे? यूं किया, एक सीधी वाई करनी है और एक इनवर्ट वाई करनी है, ये पकड़ लो इधर देखो, सी एस थ्री सी एल और एच, बोलो नहीं आया समझ में? अब ये इधर है तो ये इधर होना चाहिए, नहीं आया समझ में? बोलो ठीक, तो इसको ध्यान रखें, तो इस तरह कन्वर्ट करना है बेटा, कर पाएंगे? अब यदि न्यूमेरल दिया जाए या साहूर दिया जाए तब उसको कन्वर्ट कर सकते हो फिशर में? बोलो, चलो करो क्वेश्चन फिर एक, मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो फटाफट, आंसर होना चाहिए। दोनों को फिशर पोजिशन में कन्वर्ट करो, शाबाश, डू फास्ट। ध्यान से देखना है, एक आपको इक्लिप्स फॉर्म दिया हुआ है और एक आपको स्टेगर्ड फॉर्म दिया हुआ है। जो इक्लिप्स का था तो उसको तो एज सच पुट कर दो, कैसे? दो क्रॉस करें, वाई सी एस थ्री सी एल एच, नहीं आया समझो? फिर ओ बी सी एल इधर, यहां ओ एच बताए इसमें, ठीक है, इधर एच है एंड दिस इज सी टू एच, बताओ क्योंकि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? इक्लिप्स में, तो सीधा इक्लिप्स में ले जाओ ना, छेड़ना ही नहीं, इसको क्या करोगे आप? C2H5 जो यहां पर अपोजिट हैं वो फिशर में सेम साइड हो जाएंगे, खत्म, ठीक है ना? अब एक को तो ऐसे ही रख लो, अब यहां पर Br और यहां पर H, नहीं आया समझ में? तो इस तरह हम फिशर पोजीशन को न्यूमेरल में या क्या था साहूर्स में कन्वर्ट कर सकते। इसी के साथ एक अगला फार्मूला बेटे आपका, वो है वेज डैश फार्मूला, उसमें कैसे करेंगे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से देखना आप। वेज डैश फार्मूला इसमें मार्क खा जाते हैं कई बार, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? जैसे ए बी सी डी, ये आपका वेज डैश फॉर्मूला है, यानी यू कह लो कि आपका थ्री डायमेंशनल में लिख रखा है, ठीक है? अभी कैसे आपका इस तरह है ये, आप यदि इसको यहां से देखें, इधर से देखें बेटे आप इसको, तो D मैं यहां से देख रहा हूं, बिल्कुल यहां से D आपके किस में आ रहा है? राइट साइड में, और CL आपके लेफ्ट साइड में, भाई यहां से देख रहे हो ना, मेरी आंख यहां है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये मुझे किस किस साइड मिल रहा है? D साइड, दैट इज राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड, क्लियर है? और ये दोनों मुझे किस मिल रहे हैं? प्लेन में मिल रहे हैं। अब प्लेन का मतलब समझो क्या है,
आप इसको ऐसे समझें, यू यू ठीक है क्या? ये जो व्हाइट बॉल है, ये तो देखो ये मैंने ब्लैक बॉल यू न्यू टिका दिया इस तरह, तो ये व्हाइट क्या है, प्लेन में है या बोर्ड के प्लेन में, और ये बोर्ड के पीछे है और ये बोर्ड के बाहर है, बात समझ में आ गई? अब आपको यहां से देखना है, अब कोई खड़ा होकर यदि यहां से देखने लगे तो ये उसके किस साइड जा रहा है, राइट राइट में, और ये उसके लेफ्ट, क्या इतना समझ में आ गया या नहीं आया? आसान है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फिशर पोजीशन। क्या करो फिशर में, मैंने क्या बताया बेटे, हमारी क्रॉस होना चाहिए, तो जो नॉर्मल लाइन है ये है आपकी नॉर्मल लाइन, ये ग्रुप आपके वर्टिकल पर आ जाएंगे, यू करो ना भाई, बिल्कुल आसान है बेटे, डरना नहीं। ये है, मैं यदि इसको ऐसे कर दूं, देखो एक को ऊपर और एक को ये लो, ध्यान से देखना, आया समझ में भाई? देखो ये था पीछे, ये था आपके आगे और ये था प्लेन में, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये मैं राइट में रखूंगा ना, इसको इस तरह कर लो, ये देखो आपको समझ में, ये ऊपर ये नीचे, जो राइट में था वो राइट, जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट कर दिया, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। यानी कैसे किया बेटे, ए को मैं कहां ले गया, ऊपर था तो ऊपर है, दो बात कर रहे हैं नॉर्मल लाइन की, तो जो नॉर्मल लाइन है ये कौन सी पर होनी चाहिए, वर्टिकल पर, बी इधर, बोलो डैश वाले को कहां ले गया मैं, बोलो राइट, और वेज वाले को कहां ले गया मैं, लेफ्ट, बस खत्म। नहीं आया समझो अर्शो, दो क्वेश्चन करो, ये सिंपल है बेटे, ये दे दिया आपको COH CH3, कन्वर्ट करो, शाबाश, जल्दी करो फटाफट, दो तीन क्वेश्चन करवाता हूं तुमसे करीब, हो गया दिखाओ, राइट राइट। तो क्या करना है, ऊपर COH, नीचे CH3, एच राइट, और यहां पर क्या था ग्रुप, OH था, मान लीजिए ग्रुप लिखा नहीं हमने, तो OH कहां हो जाएगा, लेफ्ट में, आसान है, और करो, ये आगे काम आएगा भाई, ठीक है ना। जैसे ऐसे केस में, ये दूसरा एक केस और बता रहा हूं बेटे, ऐसे केस में सॉल्व कैसे करें, यहां देखो तो कितने कार्बन हो गए, एक दो तीन और चार, तो ये अपनी क्या थी, नॉर्मल लाइन थी, नॉर्मल लाइन। अब क्या करेंगे, ये दो क्रॉस कर देंगे, क्यों करें क्रॉस, दो हमारे पास कार्बन, ऊपर CH3, नीचे CH3। अब क्या ध्यान देना है, यहां पर जिस साइड डैश पे है उसको फिशर पोजीशन में उस साइड रखोगे, एच यहां कहां है, राइट, यहां पर एच क्या है, लेफ्ट, नहीं आया समझ में, दैट्स योर आंसर। तो इधर कौन आ गया, CL, इधर कौन चला गया, VR। नहीं आया समझ में, अर्शो क्लियर है? तो ऐसे केस में जिस साइड आपका डैश का है बेटे फिशर में भी उस साइड रखो, क्लियर है? एक का मैंने आपको सिखा दिया, अब एक क्वेश्चन होकर के दिखाओ एक बार, चलो करो,
अब मान लो बेटे आपको ये दे दिया, क्या करेंगे, कितने कार्बन है इसमें, पहले गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, जल्दी करो, दिखाओ मुझे एक बार, डू फास्ट, आप भी करो बेटे, शाबाश, सारे करते रहो, चलो दिखाओ इधर आके, यहाँ क्या H लिख दिया क्या हमने, ओके ओके ओके, तो इसको बी आर कर लो ना इधर, या यहाँ बी आर कर लो इसको, ठीक है ना, हो जाएगा ना बड़े, लेकिन यहां सेकंड पर बी आर कर लो इधर, ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट है, चलो बन वन मोर क्वेश्चन, अब सुनो बेटा, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये, क्या अभी तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला है, खड़ा कर लो इसको, भाई नॉट, देखो बोर्ड को तो मैं खड़ा कर नहीं सकता, मेरे पास सुनवा दी, भाई बोर्ड को खड़ा नहीं कर सकते, पर इसको नोटबुक पर लिखकर क्या हम बिल्कुल यू कर सकते हैं, हाँ भाई पेपर में यदि ऐसे दिया हुआ हो तो उस ये तो आपको किसमें मिलेगा, हॉरिजॉन्टल में, घुमा लो वर्टिकल में कर दो उसमें, बस मिल गया आंसर, बताओ शाबाश जल्दी करो, डू फास्ट, यही देख लो ना इक्वेशन, ये हम ऐसे खड़े हैं, ये साइड क्या मान लो लेफ्ट, ये क्या मान लो राइट, भाई ये किस साइड है लेफ्ट, ये किस साइड है राइट, ये किस साइड लेफ्ट, ये किस साइड राइट, ये किस साइड लेफ्ट, नहीं ऐसे होता है, श्योर ओके, अब दूसरे ग्रुप लिख दो, यहां एच है, यहां एच है, यहां एफ है, यहां एच है, यहां सी है, बताइए यही आंसर, बोलो या कोई है बड़े आगे, चलो नहीं ठीक, अब उल्टा आ जाए, फिशर को वेज में कर लो, फिशर को वेज में कर लो, जैसे ही क्वेश्चन दे दिया सी एच ओ ओ एच एच सी एच टू ओ एच, मुझे इसको करना है, आप ये सोचो ये किस वेज से मिला होगा, क्या मुझे ये इससे नहीं मिला होगा बेटा, yes, क्योंकि ये क्या है लेफ्ट में, तो लेफ्ट लिखना पड़ेगा, तो क्या आपसे पूछ लें यूं आ गया भाई, बताओ
कौन सा है आंसर? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट है, क्योंकि एच कहाँ है? लेफ्ट। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? लेफ्ट। तो दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सिंपल थे, कर पाओगे? पक्का? चलिए बेटे, आज हमने एक छोटा सा लेक्चर में इसमें क्या पढ़ा, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश न्यूमैनन साहोर्स एंड योर फिशर प्रोडक्शन फार्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।